हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जो कि आपका चैप्टर 3 रन कर रहा है, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का कंसेप्ट है और यकीन मानिए, यदि आप मेरे साथ में रहे तो बहुत कमाल का कंसेप्ट, और कहीं भी ऐसा एक पॉइंट नहीं आएगा जहाँ से आपके प्रॉब्लम ना बन रहे हो। क्लियर है? किसी भी एंगल से अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाए तो हर एक प्रॉब्लम बनना ही बनना है। बस मेरे साथ में रहिए आप, और जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ या जो वीडियो में डाल रहा हूँ उसको आप ज़रूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टाइप के ट्रेंगल का मुख्य रूप से। तो पहला जो ट्रेंगल रहेगा वो है आपका आइसोस्केल्स ट्रेंगल, और सेकेंड जो ट्रेंगल की बातें जिसके कंसेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रहेगा इक्विलैटरल ट्रेंगल। राइट, तो देखते हैं हम लोग आइसोस्केल्स ट्रेंगल और इक्विलैटरल ट्रेंगल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर लिया है, आइसोस्केल्स ट्रेंगल और इक्विलैटरल ट्रेंगल। राइट, इन दोनों को काफ़ी अच्छे से, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। राइट, इसका तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहता, बट दोनों के कंसेप्ट को देखना जरूरी है। चलो, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोस्केल्स ट्रेंगल्स की। क्लियर है? आइसोस्केल्स ट्रेंगल में क्या होता क्या है, राइट, ध्यान से देखना है। आइसोस्केल्स ट्रेंगल में दो साइड इक्वल होते हैं। कितने? दो साइड इक्वल होते हैं। अब आपसे कोई पूछे, मैं यहाँ पे एकदम साफ साफ लिख भी दे रहा हूँ, है ना, टू साइड क्या हो गया, टू साइड इक्वल, है ना। और क्या होता है आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, दो साइड इक्वल होते हैं, राइट, और साथ साथ में टू एंगल इक्वल, और दो एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। तो ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल, तो आपको ध्यान में ये बात रखना है कि वैसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल केवल इक्वल दिख जाए, यानी कि अगर 40 तो एक और कोई 40 है, तीन एंगल तो बनते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। क्लियर है? ठीक है, अगर दो एंगल सेम डिग्री का हो, 40 डिग्री कोई दूसरा भी है। क्लियर है? जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी हम लोग केवल आइसोस्केल्स की बातें करने वाले हैं, राइट, इसकी बातें अभी नहीं करने वाले, राइट है। क्लियर, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल हो गया, क्लियर है, ये एक ट्रायंगल हो गया, क्लियर है, ये 40 डिग्री है और ये भी कितना है, 40 डिग्री, क्लियर है। तो आपको ये फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए, एंगल ए बी और ये सी, क्लियर। तो 40 डिग्री दिख रहा है, तो आपके दिमाग में फट से बात आना चाहिए कि ये 40 दोनों एंगल सेम है, एंगल ए भी 40, एंगल बी भी 40। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स ट्रेंगल है। अब आइसोस्केल्स ट्रेंगल में क्या होता है कि यदि दो एंगल सेम हुआ, राइट, तो उसके क्या हो जाएंगे, उसके साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, है ना, उसके साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो कैसे, जरा देखना है आपको, यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं ये 40 डिग्री कहता हूँ, है ना, ये 40 डिग्री और ये 40, इसका मतलब कौन कौन एंगल आपका इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री। अब ध्यान से देखना है, अब मुझे ये बताओ कि एंगल 40 का अपोजिट साइड कौन है। अब देखो, एंगल 40, ये एंगल ए का अपोजिट साइड कौन है, ये बी सी है ना, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे आइसोस्केल को समझना है, राइट। तो जैसे दो एंगल आपके सेम दिखे, तो आपको तो ये समझ में आ गया कि ये तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, क्लियर है। अब दूसरा चीज़ क्या देखना है कि अब साइड कौन कौन इक्वल है। आइसोस्केल्स तो हो गया, इसका मतलब दो एंगल और दो साइड आपस में इक्वल होगा, और कौन कौन सा साइड इक्वल होगा उसको देखना है। ये वाला एंगल 40 है और ये वाला एंगल 40 है। अब देखो, एंगल ए पे आप इस जगह पे ऐसे खड़े हो जाओ और वहाँ से ठीक इधर की तरफ देखो, ठीक है, तो अपोजिट में कौन मिल रहा है, बी सी, राइट। इसका मतलब बी सी जो होगा, ये बी सी यानी कि साइड बी सी जो होगा वो इक्वल होगा। अब देखो, अब चलो बी, अब एंगल बी जो है वो क्या है, इक्वल है, क्लियर है, है ना। एंगल बी का कौन है, एंगल बी पे कौन सा साइड आपका वो बन रहा है, है ना, अपोजिट साइड। तो एंगल बी पे हैं हम लोग, तो अपोजिट साइड कौन बन रहा है, ए सी कौन बन रहा है। देखो, एंगल बी पे यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ, अपोजिट साइड कौन है, एंगल बी पे 40 डिग्री, तो राइट, एंगल बी का अपोजिट साइड कौन होगा, ए सी, और यहाँ पे इसका कौन होगा अपोजिट साइड, इसका कौन था,
ये एक का कौन था, बी सी, कौन था, बी सी, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये देखो इसका मतलब अगर ये एंगल ए एंगल बी आपस में इक्वल है, इसका मतलब इसका साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, यानी कि बी सी इक्वल टू ए सी। बातें समझ में आ गई, ये कंसेप्ट है मेन, और भी हम लोग प्रॉब्लम इस पर बनाने वाले हैं, लेकिन एकदम मोटा मोटा बात मैं बता दे रहा हूँ, मोटी मोटी बातें। अगर साइड इक्वल दिख जाए, दो साइड, एक साइड ये हो गया, एक साइड, कोई भी दो साइड, ठीक है, कोई भी दो साइड अगर इक्वल दिख जाए या दो एंगल इक्वल दिख जाए, तो आपको ये समझ लेना है कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है, क्या कहती है, कि अगर अगर दो साइड इक्वल है, इसका मतलब उसका अपोजिट अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर है, ध्यान से। अब देखो और एग्जांपल देता हूँ, देखो जरा, अभी तो एंगल पे मैंने बताया कि एंगल इक्वल रहे तो साइड कैसे इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो ए बी सी, अब ध्यान से देखो, ए बी जो साइड है वो इक्वल है किसके, ए सी के, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिख दिया ए बी इक्वल टू ए सी। अब जैसे मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, ए से बी तक मैंने मेजरमेंट किया 5 सेंटीमीटर, और ए से सी भी कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ए बी, और ये दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब ध्यान से देखना है, ये ए बी, ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी 5, यानी कि ये दोनों साइड इक्वल हो गए। अब जैसे ही साइड इक्वल मिला, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि ये आइसोस्केल हो गया, राइट। अब आइसोस्केल हो गया, इसका मतलब कि इसका जो साइड है, इसका दोनों दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो कौन सा दो एंगल इक्वल होगा, इसमें तो तीन एंगल बनते हैं, तो इसके साइड का जो जो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो देखो ए बी का अपोजिट, ए बी का अपोजिट एंगल कौन बनेगा, एंगल सी, है ना। तो एंगल सी इक्वल होगा किसके, ए सी है ये वाला, ये जो ये दोनों साइड इक्वल है आपस में, तो ए सी का कौन बनेगा, एंगल बी। ए सी साइड का अपोजिट एंगल कौन बनेगा, एंगल बी, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एंगल एंगल इक्वल था, तो हमें पता चल गया कि साइड भी इक्वल होगा, अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो कौन सा एंगल, ए इक्वल था, राइट। तो इसके ठीक सामने में कौन हो गया, बी सी, ये बी सी साइड आया था, एंगल बी इक्वल था यहाँ पे, यहाँ पे एंगल बी था, राइट। तो अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड कौन आया था, ए सी। तो ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, यहाँ पे एंगल इक्वल हो रहा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि साइड और साइड इक्वल है, क्लियर है। तो जब भी आपका कंडीशन आपको कुछ ऐसा मिले, तो आपको समझ जाना है कि उसके आइसोस्केल्स ट्रायंगल कहता है कि अगर दो साइड इक्वल हो जाएं, है ना, कितने, टू साइड अगर इक्वल हो जाएं, तो आपको समझना है कि ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। और जो दो साइड इक्वल रहेगा उसका ठीक अपोजिट वाला एंगल, है ना, जैसे ये साइड है, जैसे ये वाला साइड है, क्लियर है। इस साइड का अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, क्लियर है। और इसका, इस वाले साइड का कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, क्लियर है, ठीक है। मेरे पास तो ऐसा कोई तीसरा हाथ नहीं है, नहीं तो मैं अभी लाइव आपको ऐसे करके बता देता, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो एकदम ये क्लियर होना चाहिए कि आइसोस्केल, और भी मैं प्रॉब्लम अभी आइसोस्केल पे करवाने वाला हूँ, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, अभी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे आइसोस्केल्स ट्रायंगल के ऊपर में 6 प्रॉब्लम लिए हैं, राइट। इन 6 प्रॉब्लम में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे देखो, पहला प्रॉब्लम क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि साइड इक्वल है, ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, यानी कि ये जो साइड है आपका, ये जो साइड है ये इक्वल है किसके, इस वाले साइड के, ए बी इक्वल टू ए सी। कभी कभी आप बुक में देखे होंगे कि ऐसा एक लाइन ऐसे खींच देता है, क्यों, ताकि उससे पता चलता है, वो इंडिकेट करता है क्या, ये साइड इक्वल है इसके, क्लियर है। तो देखो साइड इक्वल हो गया, यहाँ पे साफ साफ इसने कहा कि ए बी इक्वल टू ए सी, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए कि आइसोस्केल है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, राइट। तो अब आइसोस्केल्स ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं, इसका मतलब जो जो साइड इक्वल है उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन एंगल इक्वल होगा, तो देखो ए बी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल सी, ठीक है। और ए सी का अपोजिट, जो जो याद रहे, जो जो साइड इक्वल है उसी का अपोजिट, मैंने बार बार कहा ये बात। तो ए बी का अपोजिट कौन है, एंगल सी, और ए सी का, ए सी का कौन है अपोजिट, ये ए सी साइड का, ए सी साइड का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है।
ओके, अब यहां पे देखते हैं पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर में अब देखो जरा, क्यू आर जो साइड है ये इक्वल है किसके, पी आर के, यानी कि ये इक्वल है किसके, इस वाले साइड के, ठीक है। यानी कि इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि क्यू आर का अपोजिट एंगल कौन, देखो क्यू आर साइड का अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, पी पे, राइट। देखो इसके ठीक सामने में, उधर में देखना है, अपोजिट में है ना, ठीक उसके अपोजिट, यानी कि सामने भी बोल सकते हो, इसके ठीक सामने में पी कौन बन रहा है, पी, क्लियर है। तो कौन होगा, एंगल पी, क्लियर है। अब देखो पी आर को देखो, किसको, पी आर को देखो, पी आर को देख करके मुझे बताओ कि कौन सा यहाँ पे एंगल होगा। तो देखो पी आर ये रहा आपका, पी आर ये रहा, ठीक है। अब पी आर का, अब देखो इसके ठीक सामने में कौन बन रहा है, इसके ठीक सामने में एंगल क्यू, कौन बन रहा है, एंगल क्यू, राइट। तो एंगल पी होगा किसके, एंगल क्यू के। ध्यान से, जो साइड इक्वल होगा, तो जैसे ही दो साइड इक्वल दिया है, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आइसोस्कल्स ट्रायंगल हो गया। अभी आइसोस्कल्स ट्रायंगल हो गया तो इसके दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, किसके, जो दो साइड इक्वल है उसके, क्लियर है। अब चलो यहाँ पे एम ओ, अब देखो एम ओ यानी कि ये वाला, क्लियर है, ये वाला इक्वल है किसके, एन ओ के, किसके इक्वल है, एन ओ के, ध्यान से देखो एन ओ के, क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, है ना, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एम ओ की जगह पे, एम ओ की जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ एम एन, ठीक है। आप ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, एम एन, ठीक है, एम एन मैंने लिख लिया, ठीक है। चलो अब देखो जरा यहाँ पे, ये एम एन जो है, एम एन जो साइड है वो इक्वल है किसके, एन ओ के, एन ओ के, यानी कि ये साइड है इसके इक्वल, तो यानी कि इन दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इसका अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, एम पे, और इसका एम एन का अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा, ठीक सामने में यहाँ ओ पे, क्लियर है। तो कौन कौन सा एंगल इक्वल हो गया, एम एन, एम एन का अपोजिट एंगल हो गया ओ, तो एंगल ओ इक्वल होगा, और एन ओ, एन ओ का कौन बन रहा है, एम, तो एंगल एम, यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल एम, समझ में आ चुका होगा, राइट। तो यहाँ पे आप, यहाँ पे इस ऊपर के प्रॉब्लम में आपने क्या सीखा, ऊपर के प्रॉब्लम में आप ये देख रहे हो कि जब साइड आपस में इक्वल है, तो हमारे दिमाग में क्लिक कर रहा है क्या, कि उसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो उसी तरह से ऊपर वाले में आपने ये सीखा कि साइड जैसे ही इक्वल हो जाएगा, राइट, दो साइड इक्वल होगा तो ये आइसोस्केल होगा, आइसोस्केल हो गया, इसका मतलब इसका अपोजिट, जो जो साइड आपस में इक्वल है उसका अपोजिट अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ समझ में आ गया। अब नीचे के प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो नीचे में क्या दे रखा है कि एंगल दे रखा है, एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल बी के। ये देखो एंगल सी, यहाँ का जो एंगल है वो इक्वल है एंगल बी के। ऊपर के प्रॉब्लम में साइड साइड इक्वल करके बातें कर रहा था आपसे, अब यहाँ इस प्रॉब्लम में आपको एंगल एंगल इक्वल कर रहा है कि एंगल सी इक्वल है एंगल बी के। अगर ये 30 डिग्री है और ये तो ये भी कितना है, 30 डिग्री, याद रहे साइड एंगल इक्वल करने का मतलब क्या है, ये 30 तो ये भी 30 हो गया, क्लियर है। तो देखो ध्यान से, एंगल सी इक्वल है एंगल बी के, तो अब मुझे बताओ कि कौन सा साइड किसके इक्वल होगा। तो देखो इसका एंगल सी का अपोजिट साइड कौन होगा, एंगल सी का अपोजिट साइड ठीक इसके यहाँ पे अपोजिट में, तो कौन होगा, ए बी। यहाँ पे सी पे ऐसे खड़े हो जाओ और ऐसे देखो जरा कि कौन सा आ रहा है, तो कौन आ रहा है, ए बी, कौन आ रहा है, ए बी हो गया, ए बी। एंगल सी का अपोजिट कौन हो गया, साइड ए सी, ए बी, राइट, इक्वल, अब इक्वल दे दो, एंगल बी, एंगल बी ये रहा एंगल बी। अब एंगल बी के इस जगह पे खड़े हो जाओ और सामने में देखो उधर में, तो कौन अपोजिट साइड आ रहा है, तो ए सी, समझ में आ गया। तो देखो जब एंगल इक्वल हो जाए तो हमें समझ जाना है कि ये किस में आ गया, आइसोस्केल्स ट्रायंगल में आ गया, क्लियर है। तो जब एंगल इक्वल तो इसका मतलब इसका साइड भी इक्वल, इसके अपोजिट साइड का अपोजिट साइड इक्वल, जो जो एंगल इक्वल कह रहा है उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। बातें समझ में आ गई, ये था। तो यहाँ पे साइड आपने बता दिया, क्लियर है, देखते चलना है, ओके। अब यहाँ पे देखो पी क्यू ये दे रखा है, तो देखो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर, देखो एंगल क्यू जो है, ये जो एंगल क्यू है ये आर के क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंगल क्यू जो है एंगल आर के
इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एंगल क्यू का ठीक अपोजिट साइड क्या हो जाएगा। पहले तो दिमाग में ये आया कि ये आइसोस्केलेस एंगल हो गया क्योंकि दो एंगल इक्वल है, आइसोस्केल हो गया। इसका मतलब अब यहाँ से कौन कौन सा साइड इक्वल होगा, तो देखो क्यू से, अब आप यहाँ पे देखो एंगल क्यू से तो कौन सा साइड हो गया पी आर, कौन सा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये रहा पी आर, पी आर जो साइड होगा, ठीक है, ये एंगल क्यू का ये पी आर जो साइड होगा वो इक्वल होगा। अब आर पे देखो कौन दिख रहा है, पी क्यू, कौन दिख रहा है, पी क्यू, एंगल आर का जो अपोजिट साइड है कौन दिख रहा है, पी क्यू, ये हो गया, क्लियर है। तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एल एम एन ऐसे, तो एंगल एल, तो ये रहा एंगल एल, यहाँ पे एंगल एल, तो ये रहा एंगल एल, एंगल एन, तो ये रहा एंगल एन, ठीक है। अब देखो क्या कहा मैंने कि जैसे ही दो एंगल आपस में इक्वल है, ये इक्वल का मतलब समझना जरा, अगर ये 40 तो ये भी 40, ये 30 तो ये भी 30, ये 50 तो ये भी 50, क्लियर है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि दो एंगल अगर आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब, इसका मतलब तो यही हुआ कि इसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो देखो एल का ये एंगल एल का, ये एंगल एल का अपोजिट साइड कौन दिख रहा है, एम एन, तो एम एन इक्वल होगा किसके, एंगल एन। अब देखो एंगल एन का, एंगल एन का अपोजिट साइड कौन दिख रहा है, देखो यहाँ से ठीक सामने एल एम, कौन दिख रहा है, एल एम, समझ में आ गया। तो अपोजिट एंगल को देखते हुए, यानी कि जो जो एंगल इक्वल होगा, है ना, जो जो एंगल इक्वल होगा तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। और यहाँ ऊपर वाले में क्या कंसेप्ट था कि साइड जो साइड अगर इक्वल होगा, है ना, अगर ये 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, राइट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप ये और ये साइड इक्वल था, इसका मतलब कौन कौन सा, इसके ए बी के ठीक सामने वाला ये सी एंगल और ए सी के ठीक सामने वाला बी एंगल क्या था, इक्वल हो गया। उसी तरह से यहाँ पे हमने, मैंने कोशिश किया है अपनी तरफ से जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल का कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में, है ना, आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट फिक्स करने के लिए मैं ये कुछ प्रॉब्लम को यहाँ पे अपने तरफ से यहाँ पे डाला हूँ, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि आइसोस्केल्स का मतलब हो गया कि अगर साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा, अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, अगर दो एंगल इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो ये था आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल की, मतलब उसका कंसेप्ट, क्लियर है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल के अभी अभी आपने कंसेप्ट, अभी अभी मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है आपको, राइट। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल के ऊपर में एक प्रॉब्लम को हम लोग बना लेते हैं, राइट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्विलेटरल पे। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मानो ए बी सी, क्लियर है। मान लो कि ये जो एंगल दे रखा है, यहाँ का एंगल दे रखा है 40 डिग्री, क्लियर है, कितना दे रखा है 40 डिग्री, और ये ए बी, अब कंडीशन क्या दिया है कि ए बी इक्वल टू, ओके, ठीक है, ए बी, ये जो ए बी है वो इक्वल है किसके, ए सी के, क्लियर, ठीक है। क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, और एक एंगल दे रखा है, एंगल सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 40 डिग्री, क्लियर है, ये दो कंडीशन दे रखा है, क्लियर। तो चलो यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, ए बी इक्वल टू ए सी, और एक एंगल दे रखा है कि 40 डिग्री है, क्लियर है। अब चलो, अब आपको कह रहा है कि अब जितना भी एंगल है, राइट, यहाँ पे से मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ कि अब जो जो एंगल है, तो ये सभी एंगल को आपको बताना है कि ये कितना कितना डिग्री होगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखते चलो, सबसे पहले तो जैसे ही ए बी इक्वल टू ए सी आया, इसका मतलब आपके दिमाग में क्लिक किया कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसका इसका अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, साइड का अपोजिट एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये ए सी, सॉरी, ए बी का अपोजिट एंगल 40 है, तो इसका मतलब ए सी का अपोजिट एंगल जो भी होगा, है ना, वो आपस में ये 40 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, अपने आप 40 हो गया, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल एंगल सी इक्वल टू एंगल, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, क्यों, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, क्यों हुआ जी, क्यों हुआ ये 40 डिग्री, क्योंकि क्योंकि अपोजिट, क्योंकि साइड्स आर इक्वल, बिकॉज यहाँ पे देना है कारण,
है ना, बिकॉज क्योंकि ए बी इक्वल टू बिकॉज साइड, बिकॉज यहाँ पे साइड्स ए बी, ए बी इक्वल टू ए सी क्यों हुआ, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी था इसलिए एंगल भी क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब देखो, एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री हो गया और एंगल बी इक्वल टू भी क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया, दो एंगल मिल गए। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, एंगल सी अकेला दिया था, है ना, हमने आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को यूज करके क्या कर लिया, इसका भी 40 डिग्री आ गया। अब चलो, अब आपको एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए कैसे निकलेगा, आपको पता है ना कि द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। आपको पता है ना कि एक ट्रायंगल किसी भी आकृति का रहे, बस तीन साइड से घिरा होना चाहिए, उसके अंदर के कोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, आपको ये पता है। इसका मतलब क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखो, एंगल जो एंगल ए नहीं पता है ना, तो एंगल ए लिख दो, प्लस एंगल बी पता है क्या, 40 डिग्री, तो एंगल बी के नीचे 40 डिग्री लिख दो, एंगल सी पता है आपको 40 डिग्री, एकदम ठीक इसी के नीचे में 40 डिग्री लिख दो, और ये रहा 180 डिग्री। अब चलो, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो एंगल ए और ये 40 और ये भी 40, देखो ये प्लस में और ये भी प्लस में, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो 80 डिग्री हो गया, 40 और 40 80 डिग्री, और ये रहा 180 डिग्री। अब क्या मैंने बताया था कि जब भी इसको उधर लेके जाओगे, तो देखो एक चीज़ ये भी है, ये 180 में तीनों एंगल जुड़ा हुआ है, तीनों एंगल जुड़ करके ये 180 है, क्योंकि अंदर के इन तीनों को जोड़ दिया जाए, क्लियर है, तो 180 है, तो इसका मतलब इसमें तीनों के तीनों शामिल हैं, तो दो ठो को तो आपको यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है, तो जैसे ही तीन ठो वाले में से ये दो ठो वाले को क्या करोगे, घटाओगे, तो एक ठो और निकल जाएगा, तीसरा एंगल निकल जाएगा। क्लियर है? और ये भी है, इक्वेशन में मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जब ये प्लस में इधर रहता है, जैसे ही इक्वल के उधर में जाएगा, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में चला जाता है, ये प्लस इक्वल के उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 180 डिग्री, राइट, और ये कहता है कि मैं इक्वल के उधर जाऊँगा तो माइनस में हो जाऊँगा, तो ये रहा 80 डिग्री। क्लियर है? हो गया इक्वल टू, तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया, 180 में से 80 घटा दो तो कितना हो गया, 80 डिग्री। तो देखो एंगल ए इक्वल टू निकल गया एंगल ए इक्वल टू कितना निकल गया, 100 डिग्री, सॉरी, है ना, 80 लिखते लिखते 80 भी लिखा गया, ओके, तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 100 डिग्री, 180 में से 80 घटाओगे तो कितना होगा, 100 डिग्री। तो देखो, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को हमने लगा करके क्या किया, यहाँ पे हमने बना लिया, क्लियर है, यहाँ पे बना लिया, क्लियर है, ओके। अब चलो, ये था एक प्रॉब्लम जिसको आपने समझा, एक अभी इसी के ऊपर में एक और प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट से। अब यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया रहेगा आपका, कुछ यूं, ठीक है, जैसे मानो ए बी सी, ठीक है, प्रॉब्लम कुछ ऐसे दिया है और आपको यहाँ पे ये वाला एंगल दिया है, कितना मान लो कि दे दिया है 50 डिग्री, या कुछ भी मान सकते हो, 60 डिग्री, 80 डिग्री, कुछ भी मान लो 80 डिग्री दिया है, यहाँ का एंगल कितना दे दिया है, एंगल ए जो दिया है 80 डिग्री, ठीक है। अब कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी आपको निकालना है, और कंडीशन क्या डाला हुआ है कि एंगल ए बी, राइट, कंडीशन क्या डाला है, ए बी, ए जो ए बी साइड है वो इक्वल है किसके, ए सी के, किसके, ए सी के, ये कंडीशन कुछ ऐसे डाला हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही ये कंडीशन डाला, ए बी इक्वल टू ए सी, इसका मतलब दो क्या हो गया, दो साइड आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये आइसोस्केल हो गया, आइसोस्केल हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका अपोजिट एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, अपोजिट एंगल, तो देखो ए बी का अपोजिट एंगल कौन होगा, सी, एंगल सी इक्वल टू, और ये ए सी का, ए सी का अपोजिट एंगल कौन होगा, एंगल बी, तो एंगल बी, आपस में ये क्यों हो गए इक्वल, क्योंकि साइड यहाँ पे क्या है, इक्वल है, इसलिए एंगल भी क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलो, आपको तो निकालना है एंगल बी और एंगल सी, इस बार यहाँ पे पिछले प्रॉब्लम में आपने देखा था कि एंगल यहाँ का दिया था, तो आपने आइसोस्केल की प्रॉपर्टी लगा के यहाँ का भी आ गया था, तो देखो ये दोनों एंगल तो दिए ही नहीं है, ऊपर वाला एंगल दे रखा है, ये वाला,
इसका मतलब ये दोनों कितना होगा, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होते हैं, तो मान लेते हैं हम लोग x, और अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, क्लियर है, ठीक है, x डिग्री क्लियर है। अब क्या जानते हो आप कि एंगल ए, ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगा दो, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। तो एंगल ए इक्वल टू कितना दोगे, 80 डिग्री प्लस एंगल बी और सी, देखो x डिग्री ये है और x डिग्री ये भी है, तो x डिग्री प्लस x डिग्री, सर ये x डिग्री क्या है, क्योंकि एंगल जो है वो इक्वल है ना, अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, इसलिए अगर एक को मैंने x माना है तो ये भी x ही होगा, क्लियर है। और ये रहा आपका 180 डिग्री, क्लियर है, तो ये रहा 80 डिग्री प्लस, और x प्लस x कितना, ठीक है, तो देखो एक आम और एक आम, दोनों आम को एक बॉक्स में रख दिए, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक मैंगो है, क्लियर है, और ये एक मैंगो है, ठीक है, इन दोनों मैंगो को आपने क्या किया, एक बॉक्स में रख दिए, क्लियर है। आपकी मम्मी पूछी कि ये इसमें कितने मैंगो है, तो आप क्या जवाब दोगे, दो आम, तो वही x प्लस एक्स यानी कि 2x, कुछ ऐसे बताओगे ना, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस 80 को आपको क्या करना है, इक्वल के उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बोलेगा, ये देखो ये 80 डिग्री किस में है, प्लस में है, कुछ नहीं है यहाँ पे तो प्लस में है, तो इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज कर लेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर में क्या बचेगा, 2x है ना, और ये हो गया 180 डिग्री, और ये 80 उधर चला गया, माइनस में 80 डिग्री हो गया। तो देखो अब आप कहोगे कि सर ये प्लस वाला साइन कहाँ चला गया, ये 2x के साथ प्लस लगा, बेटा यहाँ प्लस लगा हुआ है, मैं नहीं भी लिखा हूँ तो भी यहाँ पे प्लस है, छुपा हुआ है ना, इसलिए हम लोग चाहें तो प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो जब नहीं लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे था, नहीं लिखा था, है ना, ये इक्वल के उधर गया तो बोलता है कि मैं इक्वल के उधर जाऊंगा तो मैं अपना साइन चेंज, अगर प्लस में हूँ तो माइनस में कर लूँगा, क्लियर है, साइन चेंज कर लूँगा, राइट। तो ये 80 डिग्री हो गया, तो ये रहा 2x इक्वल टू, अब 180 में से 80 चला गया कितना, तो 100 डिग्री हो गया, क्लियर है, 100 डिग्री। अब देखो ये x जो है ये 2 का क्या है, कॉफिशियंट है, इसको हिंदी में सॉरी इंग्लिश में कॉफिशियंट बोलते हैं, और इंग्लिश में कॉफिशियंट बोलते हैं और हिंदी में इसको गुणांक बोलते हैं। तो x का गुणांक कौन है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो जब गुणांक को इक्वल को उधर लेके जाते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब कि हर में, अंश और हर पता है ना, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा कुछ, x इक्वल टू ये 100 डिग्री और ये बाई 2, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, क्यों आया नीचे, ये इक्वल के इधर गया, सर ये 80 उधर गया तो माइनस हो गया, और ये 2 इक्वल के उधर भेज रहे तो नीचे भेज रहे हो, ऐसा क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि देखो 80 के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, ये प्लस में है और इसके साथ में कोई ऐसा एक्स या ABCD में का ऐसा कुछ नहीं लगा है, इसलिए 80 को मैंने सीधा सीधा जब इक्वल के उधर ले जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, लेकिन और इसके साथ कोई कॉफिशियंट नहीं है इसलिए, और यहाँ पे 2x के साथ में ये क्या है, कॉफिशियंट में है, ये क्या है, वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट है, तो ठीक है, तो 2x को जैसे ये गुणांक के रूप में है तो जब नंबर को x से अलग करते हैं और इक्वल के उधर लेके जाते हैं तो ये नीचे चला जाता है, कुछ ये कंसेप्ट है। तो देखो 2 से ये 100 कितने जामे जाएगा, 50 जामे, कितने जामे, 50 जामे, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 50 डिग्री, राइट। तो x इक्वल टू 50 डिग्री है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल c इक्वल टू क्या था, x डिग्री, और एंगल b भी क्या था, x डिग्री है ना, एंगल c भी x डिग्री था, एंगल b भी x डिग्री, इसका मतलब कितना हो गया, एंगल सी एक्स डिग्री आया ना, एक्स डिग्री, इसका मतलब 50 डिग्री हो गया, और एंगल बी भी एक्स डिग्री है, इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 50 डिग्री। ये है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपका इसका। तो देखो जब हमने यहाँ पे ये साइड और कौन सा साइड, ये साइड इक्वल दे रखा था, ऊपर का एंगल दे रखा था, तो मैंने इन दोनों एंगल में से नहीं दिया था, इसे पहले वाले में दिया था प्रॉब्लम में जिसको हमने डील किया था, राइट। तो यहाँ पे x डिग्री मान करके हम लोग यहाँ पे है ना, इसको कुछ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, राइट। तो ये था आपका कंप्लीट आइसोस्केल ट्रायंगल का पूरा एकदम मजबूत वाला आपके पास कंसेप्ट, ये आइसोस्केल ट्रायंगल का कंसेप्ट था, राइट। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन यदि आप एक बार सीख गए तो इवन आप जब तैयारी कर रहे होगे IIT JEE या मेडिकल या कंपटीशन एग्जाम के फेस करने की बात आएंगी तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगी, क्योंकि अभी से आपके बेसिक्स फाउंडेशन मजबूत होगा तब आप जाके कुछ क्रैक कर पाओगे, राइट। तो ये था आपका ये प्रॉब्लम। अब हम लोग चल रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है।
डियर स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है कि तीनों के तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 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 क्लियर है? तो तीनों के तीनों साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख देता हूँ, ए बी इक्वल टू, यानी कि ये और बी सी और ये ए सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। किस में? इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ। और तीनों साइड आपस में इक्वल है, इसका मतलब तीनों एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होने वाले हैं, होते होने वाले नहीं है, हैं। अभी मैं प्रूफ भी करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इक्विलेटरल, अगर कोई आपसे पूछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बताओ क्या होता है ना, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि थ्री साइड्स आर इक्वल, है ना, तीनों साइड आपस में इक्वल और तीनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, अब चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सर थोड़ा इसको प्रूफ करके बताओ मुझे। तो आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, यहाँ पे है ना, लिख देता हूँ, वी नो दैट, प्रूफ दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, द सम ऑफ ऑल इंटरनल आई एन टी ई आर एन ए एल, द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रेंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? हम लोग को पता है कि एक ट्रेंगल का सभी इंटरनल एंगल का सम कितना 180 डिग्री होता है, हम लोग को पता है। क्लियर है? तो चलो, इंटरनल एंगल मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया। तो देखो, अब तीनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक्स डिग्री है, तो ये भी एक्स, क्योंकि सभी के सभी इक्वल होते हैं, है ना। अगर वाई वाई वाई, तो तीनों वाई 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 होगा। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे एक्स डिग्री ले लिया। क्लियर है? तो एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, एक्स डिग्री, ये रहा, प्लस बी इक्वल टू एक्स डिग्री और सी इक्वल टू बी एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो, इन तीनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 3x 180 डिग्री। क्लियर है? अब देखो, अब फिर से ये कोफिशियंट आ गया 3, तो ये क्या हो जाएगा, जब भी मैंने कहा कि कोफिशियंट टाइप का ऐसा रहेगा, राइट, तो हमें क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे रहेगा उस नंबर को इक्वल को उधर ले जाओगे तो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में, नीचे में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और y 3। क्लियर है? तो ये 3 से ये कितने जा में कट गया, 3 6 जा, देखो 3 से 180 को डिवाइड करो, ठीक है, तो 3 6 जा 18, ये कट गया। क्लियर है? अब ये जीरो चला गया, वहाँ पे जीरो जो बच गया वहाँ चला जाता है, ठीक है। तो कितने जा में चला गया, 60 डिग्री में। आपको सिंप्लीफाई भी करते आना चाहिए, है ना, काटते पीटते जिसको बोलते हैं ना, ठीक है। तो कितना डिग्री आया, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 60 डिग्री। ओके, तो x इक्वल टू 60 डिग्री, इसका मतलब एंगल ए भी कितना, 60 डिग्री, एंगल बी भी कितना, 60 डिग्री और एंगल सी भी कितना, 60 डिग्री। समझ में आया? अब इन तीनों एंगल को जोड़ के देखो, 60 प्लस 60 120 प्लस 60 180। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि एक ट्रेंगल के यही प्रॉपर्टी होता है ना कि तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे हो गया। तो आपको एक चीज़ ये भी पता चला, क्या पता चला, जैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसका मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ईच एंगल, है ना, प्रत्येक एंगल, ऐसा लिख सकते हैं, ईच मतलब प्रत्येक एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ईच एंगल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आपको समझना है कि तीनों एंगल, मतलब प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, यानी 60 60 60, एक एंगल 60 डिग्री का और तीनों साइड इक्वल, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, वो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, सब 5 5 5 साइड में, तीनों साइड इक्वल
और तीनों एंगल इक्वल होगा 60 60 60। क्लियर है, राइट। तो इसमें आप ये भी जान लो कि साइड छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा 60 60, भले ही ये बहुत ही बड़ा पिक्चर बन जाए, है ना। अभी इतना छोटा बना, फिर कभी इतना बड़ा बन जाए, फिर भी इसका एंगल 60 डिग्री होगा यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो, चाहे पिक्चर कितना ही ब्रॉड बन जाए। जैसे मैं यहाँ पे एक पिक्चर बनाता हूँ, ये एक पिक्चर बना दिया, राइट। तो यहाँ भी ये सब, ये मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 60 60 60 ही बनेगा। और एक पिक्चर मैंने ये कुछ यहाँ इतना बड़ा बनाया, ठीक है। तो यहाँ भी अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 तीनों 5 है, तो यहाँ सब एंगल 60 डिग्री है ना। तो देखो साइड में चेंज हो सकता है, साइड 5 5 हो सकता है, 5 5 5 होगा, है ना। तो ये कंपेरिजन बता रहा हूँ, छोटा बने चाहे ट्रायंगल बड़ा बने, अगर ये इक्विलेटरल है तो हर एक बार इसका एंगल कितना बनेगा, है ना, 60 डिग्री ही बनेगा। एक एंगल, प्रत्येक एंगल 60 60 डिग्री का बनेगा, ये कंसेप्ट दिया मैंने आपको, क्लियर है, ठीक, ओके। तो ये था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, ये सारा चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। तो आई होप कि आज का ये जो एक्सप्लेनेशन था और आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, ये जो हमने पढ़ा, आपको मज़ा आ गया होगा पढ़ करके। तो एक थम्सअप तो ज़रूर बनता है। अब शुरुआत करने वाले हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.1, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।